उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सैनी थाना इलाके के गोविंदपुर गांव के अधियारी मोड़ के पास एक युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पहुंची सैनी पुलिस ने शव की पहचान गांव के ही फूलचंद्र के रूप में की है। घर वालों का कहना है कि फूलचंद्र कल घर से कहीं गया था, वह रात भर घर नहीं आया। सुबह उन्हें जानकारी मिली कि सड़क के किनारे उसकी लाश मिली है। उन्हें नहीं पता कि उसकी हत्या हुई है या फिर वह हादसे का शिकार हो गया है। फिलहाल सैनी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही पुलिस अधिकारी आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पेश है कौशाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। इसमें कार्रवाई क्या की जा रही है? थाना सैनी क्षेत्र में फूलचंद नाम का एक व्यक्ति है, लगभग 30 वर्ष एज है। उसकी डेड बॉडी मिली है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंट का लग रहा है। मजदूर टाइप व्यक्ति था, भट्टे आदि पे काम करता था, शराब पीने का भी आदि था। इसका पत्नी से विवाद चल रहा था और बाकी जैसा पोस्टमार्टम में आएगा उस हिसाब से अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाए। अभी मत जाओ, चलो खेते करते हैं, खेते नहीं गए थे और उसके बाद कल 10-11 बजे से निकले हुए रास्ता में यहाँ आए थे। घर से बोले घर चलिए, घर भी नहीं गए, ये निकले हुए घर आए थे। घर से भी पता नहीं हम पछार चले गए। बुलाओ आज ये कहाँ मिले हैं? आज हमको अंधियारी में उनके स्त्री दंड हुआ है कि कोई इनको मार दिया है, कोई हमको ये नहीं पता कैसे। सुबह बाहर लोग गए थे, उसके बाद हमको लग रहा है कि मारी हुई जहाँ कैसे लग रहा है। उसके बाद हम सुबह बाहर आए थे, पता लगी तो देखे पुलिस रोड के किनारे में इनको रखा था। आपको नाम? पुलिस लेते आई है यहाँ।